भाई और बहनों यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है अगर हमारी बेटियां हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी बंधन में रहेगी उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता जब माताओं बहनें बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है तो परिवार का समाज का देश का सामर्थ्य बढ़ता है हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा बहन बेटियों की माताओं बहनों की मुसीबतें ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है घर और स्कूल में शौचालय हो गैस कनेक्शन हो बिजली पानी कनेक्शन हो गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से पूरी लगन से किया यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित माताएं बहनें पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है अस्पतालों में जो पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है उसका भी इन वर्गों की बहनों को लाभ रहा है